माननीय अध्यक्ष महोदया, सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मंत्रालय के बजट अनुदान संबंधी चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदया, आधुनिक विश्व में नागरिक उड़ीन में कुछ अपने साथियों को भी सुन रहा था बड़े गौर से, और खासकर वहां से उस पाले से कभी तारीफ न हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए आती है न हमारे मंत्री जी के लिए आती है, जिन्होंने बहुत ही अद्भुत, सिंधिया साहब ने अभी जो यूक्रेन के मामले में पूरे देश ने देखा इनकी इन इन, इन जिस हिसाब से ये काम कर रहे थे, बड़ा बहुत ही शानदार रहा। आधुनिक विश्व में नागरिक उड्डयन एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि ये सभी को सबसे तेज गति से जोड़ने का काम करता। इस बात को ध्यान रखकर और देश के छोटे छोटे क्षेत्रों को बड़े शहरों से जोड़ने के उद्देश्य से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 को लागू किया। इस नीति के मदद से अध्यक्ष महोदया, देश में उड्डयन क्षेत्र में बहुत कम समय में क्रांति आने लगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का अपना सपना साकार करते हुए उड़ान स्कीम के तहत देश का हर आदमी हवाई जहाज से यात्रा करने लगा था। परंतु ऐसे समय में अब जिसको भाग्य कहें क्या, 2 साल से कोविड का एक अटैक आया जो पूरा वर्ल्ड उससे प्रभावित हुआ, उसमें उड्डयन क्षेत्र भी डेफिनेटली प्रभावित हुआ, जिसकी कुछ कुछ गणित, कुछ गिनतियां, कुछ लॉसेस सामने से आज हम सुन रहे थे, कुछ हमारे साथी गिनवा रहे थे। बट दे वर फॉरगेटिंग कि 2 ईयर्स वी सफर्ड अ मैसिव कोविड अटैक एंड ऑल ओवर द यूनिवर्स एवरीबॉडी सफर्ड इन एवरी काइंड ऑफ बिजनेसेस एवरीवेयर। लेकिन उस विषम परिस्थितियों में मंत्रालय ने वंदे मातरम स्कीम के अंतर्गत 1.83 करोड़ भारतीयों को देश में वापस लाया। किसी ने इस बात की चर्चा भी नहीं की। बड़ा दुखद होता है जब अच्छे कार्यों को कोई टच नहीं करता। ये बहुत कि वो भी किया, अन्य सवारियों को अपने गंतव्य उनके स्थानों तक भी पहुंचाया, नो मैटर वो कौन थे, क्या थे, किस जात के थे, किस बिरादरी के थे, वेदर दे वोट फॉर अस वेदर दे डोंट वोट फॉर अस, ऐसा कभी भारत सरकार और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी सोचते नहीं। इसीलिए आज विश्व के इतने बड़े नेता हैं महोदय। लेकिन इतनी बड़ी महामारी के बावजूद हमारी सरकार इस क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है और रहेगी, हर संभव प्रयासरत है। विमानन अवसंरचना को मजबूत करने, जहां पर पुराने हवाई अड्डों पर सुविधाओं को तेजी से विस्तार हो रहा है, वहीं उड़ान स्कीम के तहत लगातार सुदूर इलाकों में 65 हवाई अड्डों का प्रचालन किया जा चुका है। यह भी जानना जरूरी है, भारतीय मालवाहक विमानों की संख्या 2018 से 7 से बढ़ाकर 2021 में 28 किया गया। परिणाम स्वरूप भारतीय वाहकों की भागीदारी 2% से 19% हो गई, जिसको नोबडी डिस्कस नोबडी मेंशन इन देयर टॉक्स। उसी तरह ड्रोन शक्ति, मैम आई वाज मेरे कलीग बोल रहे थे ड्रोन शक्ति के बारे में, तो ड्रोन शक्ति मिशन के तहत इस जवान से किसान तक पहुंचाने का माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य देश में नई क्रांति का आगाज कर रहा है। जिस गति से मंत्रालय इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत 2030 तक विश्व का ड्रोन के लिए सबसे बड़ा मुख्य केंद्र बनेगा। अब अध्यक्ष महोदय, मैं आता हूं अपने टॉपिक पर जो वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है गोरखपुर। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि गोरखपुर के संबंधित कुछ बातें मैं उनको बताना चाहता हूं। सबसे पहली आवश्यकता है एक नए टर्मिनल भवन की। मौजूदा टर्मिनल भवन जो भारतीय वायुसेना के देखरेख में है, और मैं भी उस एयरपोर्ट से अटैच हूं, आई एम टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स एज बाय डिफॉल्ट व्हेन यू आर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसमें पीक समय पर केवल 100 व्यक्ति को ही संभालने की इस वक्त क्षमता है। और वी आर रनिंग ऑलमोस्ट 14 एयरक्राफ्ट हर जगह पे, पूरे देश में अभी वहां से चल रहे हैं। पूज्य महाराज जी योगी जी को मैं उसके लिए धन्यवाद दूंगा कि ही इज वेरी अलर्ट एंड वेरी सेंसिटिव अबाउट ऑल दिस इश्यूज। जहां से ग्रोथ हो, बिजनेसेस आए, तरक्की हो, एजुकेशन बढ़े, शूटिंग्स, फिल्मों की शूटिंग्स भी, अब गोरखपुर एक हब हो गया है फिल्मों की शूटिंग का। भवन में विस्तार का कार्य अभी प्रगति पे, जिसके बाद क्षमता 300 से व्यक्त और बढ़ जाएगी। हमने करवाया था अभी 11 करोड़ की लागत से एक टर्मिनल और वहां बन रहा है, तो अब 300 होगा। हवाई अड्डे पर ज्यादा एयरबस 300
20 कार्यवंत की जाते हैं, लेकिन 180 लोगों को लाने और 180 लोगों को ले जाने की सुविधा की आवश्यकता है। इसीलिए टर्मिनल भवन के विस्तार के बावजूद क्षमता एक चुनौती के रूप में बरकरार रहेगी। मुझे पता चला कि भारतीय वायुसेना के सहयोग से स्थानीय टीम ने 60 एकड़ भूमि का पता लगाया है, जिसे भारतीय विमानपतन प्राधिकरण को राज्य सरकार द्वारा सौंपा जा सकता है। भारतीय विमानपतन प्राधिकरण प्रबंधन इसलिए बात कर सकती है, भारतीय विमानपतन प्राधिकरण पहचान किए गए इस भूमि पर हवाई अड्डा बनाने के उपयुक्त आकार का पता लगाने के लिए तकनीकी व्यवहारता अध्ययन भी करा सकती है। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास एपरान जो है, इसमें केवल 2 पार्किंग स्टैंड है। अगर एक बड़ा बोइंग आता है तो ATR खड़ा होता है, अगर थर्ड बोइंग उसी टाइम आता है तो पैसेंजर हैज टू वेट, इवन आई वेटेड फॉर 40 मिनट्स इन द एयरक्राफ्ट। किसी भी समय एक एयरबस टाइप और ATR टाइप एयरक्राफ्ट पार्क किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना में अतिरिक्त बे निर्माण का योजना बनाई थी, परंतु अब इसकी कोई प्रगति दिख नहीं रही थी, इसीलिए अधिक संख्या में एयरक्राफ्ट को नहीं रखा जा सकता बहुत ज्यादा, और पैसेंजर का लोड बहुत है गोरखपुर में, क्योंकि गोरखपुर हब है, बिहार से भी कनेक्टिविटी है उसकी, वहां पर एम्स भी, अस्पताल भी आ गया है, फर्टिलाइजर भी है, गोरखपुर में फिल्मों की शूटिंग हो रही, फिल्म स्टूडियो बनने जा रहा है। इसीलिए आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि 1 मिनट अभी फिनिश, गोरखपुर के लिए एक नए व्यावसायिक टर्मिनल पर बनाने का जरूर विचार करें। हम नागर विमान मंत्री जी को धन्यवाद करते हैं, उन्होंने कानपुर और वाराणसी के लिए गोरखपुर से 2 उड़ानें शुरू की हैं, तथा और लोगों की मांग है कि सीधे गुवाहाटी, पटना, जम्मू, चेन्नई, पुणे, भुवनेश्वर, सूरत भी मिल जाए तो एकदम बम हो जाएगा। महोदय, गोरखपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो के बाद एक बहुत समस्या है स्पाइस जेट की। स्पाइस जेट आजकल है ना, बुकिंग ले लेता है और कैंसिल कर देता है, विच वी सफर्ड लॉट, और उसकी वजह से बहुत परेशानी होती है हमारे पैसेंजर्स को, गोरखपुर के नागरिक को और बिहार से जुड़े जितने लोग। स्पाइस जेट को थोड़ा डेफिनेटली सलाह दी जाए कि अगर वो बुकिंग ले रहा है, अगर उसने हम लोगों को जहाज का समय दिया है, तो अपनी फ्लाइट को कैंसिल ना करें, जिससे हम लोगों को दिक्कत बहुत होती है। और मैं हवाई अड्डे पर एयरपोर्ट की अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जनशक्ति कमी है, केवल 8 अधिकारी उस छोटी सी टीम हवाई अड्डे का प्रबंधन करते हैं। हवाई अड्डे पर सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक काम होता रहता है, थोड़ी टीम बढ़ जाए बस। मैं इसी बातों के साथ मैं अपने और मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को, मंत्री जी को डेफिनेटली, और पूज्य महाराज योगी जी को, और हमारी टीम का। थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क, और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।